हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यूजिंग फंक्शन। यानी कि जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की मदद से, वो इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्कैनर इसका जो न्यू स्कैनर, यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट वाला काम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना होगा यूजर के लिए कि उसको करना क्या है नेक्स्ट में। तो यहाँ पर डालूंगा मैं इंटर द साइट, मतलब कि उसमें साइड ही ज़्यादा लेना होता है तो फाइट डालेगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो साइड डालेगा उसको स्टोर भी करना चाहिए। तो मैं एक मान लीजिए आ रही यहाँ पर साइड ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पर करके साइड दिया और यहाँ पर करके उसको स्टोर कर दिया। तो मैं क्या करूँ, स्कैनर डॉट नेट इनेबल कर दूंगा, हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना होगा जो कि इसमें कॉल करना होगा। तो मैं फंक्शन इस मेन मेथड के बाहर बनाऊंगा, और या जो भी मेथड कहें या फंक्शन कहें, तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे अब जो भी लिखना चाहते हैं तो डबल, और उसके बाद से मान लीजिए मैं इसका नाम एरिया देना चाहता हूँ, एरिया दे दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे डबल डॉट टाइप का एक आर वेरिएबल लेना होगा, या साइड ही ले सकते हैं, आर साइड ले लेंगे सही जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा रिटर्न में क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डबल डॉट टाइप देना होगा और एक ए वेरिएबल बनाइए, कोई भी बनाइए उसमें स्टोर करिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है। तो 4 इंटू क्या होता है ए इंटू, मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइड, यहाँ पे साइड इंटू क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नहीं किया, साइड इंटू साइड कर देंगे, साइड ये हमारा काम हो गया। अब उसे इसको स्टोर भी करना है तो रिटर्न ए कर देंगे, हमारा वाला काम हो गया अब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो एरिया भी निकाले हैं अपना, अब यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है, जो डबल साइड अपन लिए हैं तो साइड यहाँ पे लेंगे हम। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन मैंने इसको कॉल करना, मुझे तो फंक्शन मैंने क्या बनाया, कर्व सरफेस एरिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना होगा डबल एड टाइप का, जो कि होगा हमारा वॉल्यूम ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने वॉल्यूम ना तो बना दिया वेरिएबल, और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, पहले एरिया ही ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते वेरिएबल। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन क्लास का नाम उसको लिखेंगे, हमारा क्लास का नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया यूजिंग फंक्शन वाला डार। इसके बाद जितने फंक्शन बने होंगे सब आ जाएंगे, हमारे एरिया बना हुआ है, एरिया लेंगे, इसके अंदर क्या डालना होगा, साइड डालना है ना, साइड डाल लेंगे, ठीक। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल अपने अनुसार डालेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट में क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, एरिया इज बस, और यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपका वॉल्यूम है वो लिख देंगे बस। ये वेरिएबल टेम्पोरेरी होते हैं, आप अपने अनुसार कोई वेरिएबल बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ही लिया है। अब देखते हैं सुरन करने के बाद हमारे साथ क्या होता है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूम को कॉल कर दिया, हमारा आगे इंटर साइड मैंने डाल दिया मान लीजिए 5, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 500 आ गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 चौक कितना 100 होता है। तो हमारा क्या एरिया भी इसका भी फाइन हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हम इसको फाइन कर सकते हैं।